सुखोष्टी सर, गुड टू सी यू। काफी अच्छा लगता है आपको, जब भी मैं देखता हूँ आई फील वेरी गुड। जो भी आपके किरदार है, एंड स्पेशली आई ऑलवेज टेल यू माय मॉम इज योर वेरी बिग फैन, व्हेनेवर ही सीज अनुपमा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, योर रोल इन अनुपमा इज वेरी गुड। मैं देखता हूँ आप रियल लाइफ में भी, आई हैव सीन यू रियल लाइफ ऑल्सो सीन यू, द पीपल लव्स योर कैरेक्टर। वनराज शाह की मैं बात करूँ, वनराज शाह को इतना प्यार मिलता है, इट्स बीन लाइक मोर देन 2 years, एंड द क्वालिटी इन द वनराज शाह, द यंग वनराज शाह, द मिड एज वनराज शाह, एंड OTT में भी आए थे, उसमें भी एक अलग किरदार था वनराज शाह का। टेल अस समथिंग अबाउट वनराज शाह। देयर इज समथिंग अबाउट वनराज शाह श्योरली, और प्रोबेबली दैट समथिंग अबाउट वनराज शाह वॉज द रीजन फॉर मी टू ऑल्सो sort of say yes to this show, because मुझे राजन ने शुरू में बोल दिया था कि ये पहला ऐसा ग्रे कैरेक्टर होगा जो शो का हीरो है। अदरवाइज टेलीविजन में बहुत ही टिपिकल जो हीरोज होते हैं वो एकदम ही एकदम गुड बॉयज एंड टू गुड टू बी ट्रू वाला होता है, बट ये पहला ऐसा हीरो होगा जो ग्रे होगा, जो यू नो थोड़ा सा उसमें नेगेटिव स्ट्रीक होगा। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, और जब मुझे कैरेक्टर का वन लाइन सुनाया था तो मुझे लगा कि बॉस ये कैरेक्टर जो है ना, ये कैरेक्टर आइकॉनिक बन सकता है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और आज 2.5 साल के बाद अगर आप देखो तो ये कैरेक्टर ऐसा है जो कभी भी किसी को बोर नहीं होने देगा, क्योंकि ये कब क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, ये कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कब इसका मूड स्विंग हो जाए, कब ये एकदम से पलटी मार दे, कब एकदम से गुस्सा हो जाए, या कब एकदम बच्चा बन जाए अपने माँ बाप के आगे, पता नहीं रहता है। तो ये जो उसके कैरेक्टर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यही इस कैरेक्टर को इतना यूनिक बनाती है, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजन्स वाई इट इज़ डिफरेंट, एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ आज तक ना तो मैं ये प्ले करते हुए बोल रहा हूँ ना ऑडियंस देखते हुए बोल रहा हूँ। यस, पर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है वनराज शाह सुधांशु जी की सिमिलर है, रील और रियल कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको लगता है? वनराज के और सुधांशु की एक सिमिलैरिटी है सबसे बड़ी, वो ये है कि दोनों फैमिली मैन है बहुत स्ट्रॉन्ग। यस, सो दैट इज वन थिंग वेरी वेरी सिमिलर बिटवीन वनराज शाह एंड सुधांशु पांडे, दैट बोथ आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू द फैमिली। Yes, and once you go home, so what are the response from the family members के आपके किरदार के बारे में? Do you say something about the work we have done? आज हमने ये काम किया, you are going to see the change in me, और एक नया किरदार ऐसा, do you discuss? Actually मेरे घर पे मेरा काम नहीं देखते लोग television shows बहुत रेयरली, मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, बिकॉज दे आर आइदर माई यंगर सन इज़ बिजी विद स्टडीज, द ओल्डर वन इज़ बिजी ट्रेनिंग हिमसेल्फ फॉर अदर थिंग्स, और मेरी वाइफ जो है वो कभी कभी देखती हैं कभी नहीं देखती हैं। तो बहुत रेगुलर तो नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी मुझे ऐसा कहीं से 2-4 मैसेजेस आ जाते हैं कि अरे आपका वो सीन बड़ा अच्छा था, वो सीन बड़ा अच्छा था, तो मैं स्पेसिफिकली वो सीन लगा के देखता हूँ कि अच्छा कैसा आया है, तो देख के अच्छा लगता है, खुश होता हूँ मैं कि अच्छा चलो लोगों को पसंद आया जो मैंने किया है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सीन जो मैंने परफॉर्म किया हो, जो मुझे लगता था कि ऑन पेपर जैसा था, मैंने उससे बिल्कुल ही अलग किया है उसको, एक अलग अपना उसको एज दिया मैंने, तो मैं स्पेसिफिकली वो सीन देखता हूँ कि हाउ इट हैज टर्न्ड आउट, बिकॉज फॉर मी इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो, यू नो प्लेइंग वनराज शाह इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग वनराज शाह, इट इज़ ऑल्सो अबाउट एक्सप्लोरिंग अ माइंड इन टू डायरेक्शंस दैट आई हैव नॉट डेल्व इनटू। तो मैं अपने माइंड को एक्सप्लोर करता रहता हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, क्या नया दे सकता हूँ एज एन एक्टर, क्या हाउ कैन आई एग्जीक्यूट दिस कैरेक्टर मोर डिफरेंटली और मोर इंटरेस्टिंगली, तो उस को मैं देखता हूँ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड मे बी लर्न और मे बी अनलर्न कि मुझे आगे क्या नहीं करना चाहिए, वो भी सीख जाता हूँ। एंड अनुपमा की मैं बात करूँ, अनुपमा सीरियल की मैं बात करूँ, स्पेशली मेकर्स और राजन शाही की मैं बात करूँ,
जिस तरह की सीख देते हैं लोगों को, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि अनुपमा जी की जो सेकंड मैरिज है उसमें भी एक सीख थी कि गर्ल शुड गेट द राइट टू गेट सेकंड मैरिज है, काफी लोग की सीख, और इस तरह की काफी कुछ आए हमने देखा जब OTT में भी आया तो जो फ्लैशबैक की स्टोरी थी वो बताई हमें, तो इस तरह की सीख आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है तो व्हाट डू यू डिस्कस विद द मेकर्स अबाउट द स्क्रिप्ट एंड ऑल, एंड हाउ डू यू फील इतनी सारी जो लर्निंग लेसन मिलते हैं लोगों को, लर्निंग लेसन मिलते हैं अनुपमा से, सो हाउ डू डील विद ऑल दोस थिंग्स? आपने दो सवाल पूछे, yes. एक तो ये कि जो सीख मिलती है उसके बारे में क्या है, दूसरा कि मैं डिस्कस करता हूँ जब तो पहला तो ये कि डेफिनेटली यस, राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैव बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब बाय राइटिंग डाउन स्टफ इन सच अ वे दैट वी आर एबल टू एज एक्टर्स, हम लोग अपने परफॉर्मेंसेस से थ्रू अच्छे मैसेजेस जो सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकें, लोगों की मानसिकता को चेंज कर सकें, जो यंग वल्नरेबल माइंड है बच्चों का या ग्रोइंग अप जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं उनके दिमाग को एक अच्छा इन्फ्लुएंस दे सकें, एक अच्छी दिशा में ले जा सकें, बिकॉज वी हैव रिपीटेडली शोन आर कल्चर इन द शो एंड व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ आर कल्चर एंड हाउ वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स, और हर बार जब कोई त्यौहार होता है तो किस तरह से द होल फैमिली कम्स टुगेदर एंड फॉरगेट्स अबाउट एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन बट कम्स टुगेदर टू सेलिब्रेट those special moments, and ये सब वो चीज़ें जो हर परिवार को याद रखनी चाहिए या समझनी चाहिए, because in the end family तो family होती है and you should not miss your special moments, the special days, festivals हैं, birthdays हैं, anniversaries हैं, या जो हमारे culture से related चीज़ें हैं, या जो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें हम कोई social message दे सकें कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कैसे ध्यान देना चाहिए, या बच्चों को बात करना बड़ों से आना चाहिए, कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे छोटों से पेश आना चाहिए, हर तरह की चीज़ हम लोगों ने उसमें पोर्ट्रे की है और हम लोग रेगुलरली करते आ रहे हैं, और वो इसके लिए मैं आई वुड थैंक द राइटर्स एंड द प्रोड्यूसर्स टू बी कॉन्स्टेंटली गिविंग आउट अ गुड मैसेज टू द सोसाइटी। सेकेंड, हाँ, जब कुछ बड़ा होता है कोई बड़ा चेंज होता है या बड़ी कोई कहानी आती है तो जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज़ में हमने, मेरा एकदम अलग लुक था, मैं यंग था, उसमें 18 साल पुरानी कहानी दिखाई गई, तो उसके लिए यस देर आर क्रिएटिव डिस्कशंस, और ऐसा नहीं कि क्रिएटिव डिस्कशन अदरवाइज नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें लिख के आती हैं जिसमें मुझे कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं तो मैं क्रिएटिव्स के साथ बैठता हूँ, डायरेक्टर से बात करता हूँ, और जो हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं उसके हिसाब से उसको करेक्ट भी करते हैं या चेंज करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राइटर कुछ चीज़ें लिख जाते हैं और वो अपने हिसाब से लिखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये तो शायद इसका जो मीनिंग है या इम्पैक्ट है वो अलग किस्म से पड़ेगा, तो मैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके या उसको टोन डाउन करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जब कोई भी चेंज आता है, बड़ा चेंज आता है, तो हम लोग क्रिएटिव डिस्कशंस करते हैं, बातचीत होती है, एंड व्हेन वी म्यूचुअली एग्री अपॉन समथिंग देन वी टेक इट फॉरवर्ड। OTT की मैं बात करूँ, नाउ हॉटस्टार हमेशा व्हेनेवर यू वांट यू कैन सी द अनुपमा, एक जो फर्क आया है जब हम आज से 15 साल या 10 साल बैक पीछे चले गए तो यू हैव दिस 9:30 रिपीट 11 एंड देन द फ्रेश शो, एंड नाउ कभी भी यू कैन स्विच ऑन द टीवी, यू कैन सी द हॉटस्टार अनुपमा, एंड हमेशा मैं देखता हूँ जब भी हॉटस्टार ऑन करे व्हेन वी स्क्रॉल डाउन द फर्स्ट जो सजेशन रहता है वो अनुपमा रहता है और काफी लोगों को रहता है, वो जो फर्क आया है OTT का फर्क, OTT पे भी गया, ये जो चेंज आया है OTT का, कितना लगता है आपको कि कितना फर्क एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन मेकर्स, ये जितने भी लोगों की फर्क कितना दिखाया डिफरेंस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन की ऑडियंस अलग है और OTT की ऑडियंस अलग है। टेलीविजन एक मिडिल क्लास मीडियम है और हम सब उसी मिडिल क्लास से आते हैं, हमारी सबकी पैदाइश परवरिश उसी मिडिल क्लास में हुई। इंडिया का मिडिल क्लास जो है
इट्स द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और यही मिडिल क्लास है जो हमारी देश की संस्कृति को संस्कारों को संभालता भी है और आगे पास ऑन भी करता है. तो हमारे मिडिल क्लास को केटर करने वाला टेलीविजन है और इसीलिए टेलीविजन इतना सक्सेसफुल है. और टेलीविजन से बड़ा कोई मीडियम नहीं हो सकता है. फिल्म्स का अपना एक ऑडियंस होता है, बहुत वो लार्जर देन लाइफ है, बट ये एक वो चीज़ है जो दाल रोटी की तरह है, जो इंसान को रोज चाहिए. ये स्टेबल फूड है, ये स्टेबल डाइट है. फिल्म्स या ओटीटी जो है ये वो डाइट है जो आप वीकेंड्स पे अपनी फैमिली के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, बट वो खाना आप रोज़ नहीं खा सकते. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेलीविजन एंड ओटीटी. रही बात टेलीविजन शोज की, जो ओटीटी पे आ गए वो भी उसी ऑडियंस को केटर कर रहा है जो टेलीविजन देख रहा है. जो लोग टेलीविजन नहीं देख पाते या उनको टाइम नहीं मिल रहा है वो लोग सुबह देख लेते हैं, या जिनको इतना एक्साइटमेंट रहता है कि यार आज सुबह एपिसोड आएगा तो पहले मैं देखूंगा, तो वो लोग सुबह उठ के देख लेते हैं और फिर शाम को फिर से रिपीट देखते हैं. सो इट्स अ डिफरेंट ऑडियंस ऑल टुगेदर. ओटीटी अदरवाइज द ओटीटी शोज जो वेब शोज हैं दे केटर टू अ वेरी सेपरेट वेरी डिफरेंट ऑडियंस विच कुड बी ऑल्सो वॉचिंग टेलीविजन बट नॉट नेसेसरली वॉचिंग टेलीविजन. इट्स अ डिफरेंट ऑडियंस ऑल टुगेदर. मैं बिग बॉस से ही शुरुआत करूंगा कि कभी आपको लगा कि यू शुड डू रियलिटी शो समथिंग लाइक बिग बॉस? देखिए मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट लाइक इट बट आई वांट टू से इट दैट इट हैज बीन ओवर टू डेकेड्स सिंस आई हैव बीन वर्किंग. मैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप नेम्स एज अ मॉडल भी, मेरा नाम था उस टाइम पे इन द टॉप लीग ऑफ मॉडल्स. देन विद अ बैंड ऑफ बॉयज यू नो वी वर अ ग्लोबल नेम. और मैंने जो भी फिल्में की हैं, गुड बैड अगली, बट आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी आई अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द इंडस्ट्री विद द काइंड ऑफ वर्क वट एवर आई हैव डन. एंड टिल डेट आई एम माई ओनली हंगर इज टू अर्न रिस्पेक्ट विद माई वर्क. अ शो लाइक यू मैंशन बिग बॉस इज नॉट समथिंग दैट somebody like me can be a part of, because I would not want some random guys to come on the same platform as I have. Yes. जो जिन्होंने काम किया भी हो या नहीं भी किया हो या कोई भी कहीं से भी उठ के आएगा, and just because they are in the same premise as me, tomorrow they can speak to me badly because that is the format of the show. Yes. Tomorrow they can maybe abuse me or talk to me disrespectfully because that is the format of the show. Yes. Right? So, I am not cut out for that. I don't need it. I don't need to be a part of that. So, I personally feel that even if I have to do very small work in my life, I would do it. But I would never become a part of a show like a Big Boss, because that has got to do with my self-respect and dignity, which I would never lose at the cost of creating entertainment for somebody else. So that is something that I'm not cut out for. Yes. And lastly, before ending of this conversation, what would you like to say to your fans who has loved you so much, especially the moms? I'll pick my mom also. My mom also. Tell us something about your fans, a message to your fans. The message to my fans is very simple. Aap log hain, to hum hain. या मैं हूँ, आप लोगों का प्यार है तो मुझे इंस्पिरेशन है, और आप लोग जब तक प्यार देते रहेंगे तब तक मेरे जैसा एक्टर काम करता रहेगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी करना तभी पॉसिबल है जब आप लोग का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद मुझ तक आता रहेगा. सो प्लीज़ कीप गिविंग योर लव ऑलवेज टू मी एंड टू माई वर्क, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल कीप गिविंग यू बेटर एंड बेटर एंटरटेनमेंट. Thank you so much. Thank you.